पार्क सर्कस मैदान के पास कोलकाता कॉरपोरेशन का एक गड्ढा उसी के मजदूर की कब्र बन गया। एक मजदूर की मौत के बाद यहाँ काम कर रहे दूसरे मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। इस घटना पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दुख जताया है। बता दें कि पार्क सर्कस मैदान के पास केएमसी का ड्रेनेज पाइपलाइन का काम चल रहा है। यहाँ काम कर रहे एक मजदूर की बुधवार की रात को मौत हो गई। 22 साल का मजदूर टनों मिट्टी के नीचे गड्ढे में दबकर मर गया। मरने वाले का नाम सलमान था और वो दक्षिण 24 परगना जिले के संदेश खाली का रहने वाला था। मिट्टी के नीचे दबे सलमान को निकालकर चितरंजन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा घोषित कर दिया। इस घटना से घबराए दूसरे मजदूरों ने वहां काम करना बंद कर दिया है। वो अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। इस दर्दनाक घटना के बारे में जब मेयर फिरहाद हकीम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और अफसोसनाक घटना है। कॉरपोरेशन के एक कर्मचारी की काम के दौरान मौत दिल दहला देने वाली है। कोलकाता कॉरपोरेशन दुख की इस घड़ी में उसके परिवार के साथ खड़ा है। फिरहाद हकीम ने कहा कि यह एक अफसोसनाक हादसा था और हादसा कभी भी हो सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता है। हम लोग उसकी जान तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके परिवार को हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मजदूरों के काम बंद करने के मुद्दे पर फिरहाद हकीम ने कहा कि मजदूरों को कुछ लोगों ने भड़काया है, जिसके बाद कुछ मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। हम लोग हालात पर नज़र रखे हुए हैं, जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। অত্যন্ত দুঃখের, হঠাৎ করে এটা ধস নেমে যায়। মাটিটা বোধহয় লুজ ছিল। আমি বলেছি এটা টুন রোড ইনকোয়ারি করতে, প্রান্ত ফিরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু পরিবারের পাশে কলকাতা কর্পোরেশন আছে, যত যা সাহায্যের দরকার আছে আমরা পাশে দাঁড়াবো। কর্মীরা কাজ করছে না, নিরাপত্তা পাচ্ছি না। নিরাপত্তা না, এটা কেউ ওস্কায়, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা তো আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে করে না। একটা মাটি লুজ হয়ে নিচে কাজ করছিল, ধস নেমে গেছে, সেটা সব জায়গায় হয়। কিন্তু আমরা পরিবারের পাশে আছি, কর্মীদের যে কোনো অসুবিধায় আমরা সবসময় কলকাতা পৌরসভা প্রশাসন পাশে থাকি। ইমিডিয়েটলি পুলিশকে কমিং অপারেশন করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বারবার বলেছেন। এই কমিং অপারেশনটা কেন হচ্ছে না সেটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে সরকারের সদিচ্ছা আছে যে কমিং অপারেশন হোক এবং দুষ্কৃতীরা সাজা পাক, এবং যাতে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে এইটা আমাদের নিশ্চিতভাবে দেখতে হবে। আমরা আবার পুলিশকে বলবো যে সার্চ অপারেশন, কমিং অপারেশন চালিয়ে যাতে দুষ্কৃতী কার্যকলাপ এবং শুট আউট ফুট আউটের মতন